हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ट्विन्स प्रेगनेंसी की थर्ड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपने मेरा जो है फर्स्ट और सेकंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको एक बार जरूर देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये मेरी जो है वो लास्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो देखिये 1 जनवरी 2021 की है, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ये देखिये, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्रस इज ग्रे विद कंटेंट डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक विद ट्यून्स लाइफ फेटस एंड एंटीरियर अपर प्लासेंटा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पिछली वाली जो मेरी रिपोर्ट थी उसमें मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था, लेकिन एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक होता है ये ट्विंस प्रेगनेंसी में ही होता है, ठीक है। अगर आपकी इस टाइप की प्रेगनेंसी होती है तो ये सबसे ही ज्यादा सेफ प्रेगनेंसी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दोनों बच्चों के प्लासेंटा, दोनों बच्चों के सभी कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जब सब अलग अलग होता है तो सीधी सी बात है कि बच्चे काफी ज्यादा सेफ रहते हैं और हमारे लिए भी काफी अच्छी प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको प्लासेंटा की पोजीशन दिखा देती हूँ। हमारी एंटीरियर अपर प्लासेंटा था, प्लासेंटा हम उसको बोलते हैं जो बच्चे होने के बाद में जो बाहर आता है, ठीक है, और जिसको हम कुरैन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। लाई, लाई का मतलब होता है, ये जो होता है वो बच्चे की कंडीशन शो करता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ, जो मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड है इसमें कंडीशनें काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। जैसे मैं अभी आपको समझा देती हूँ डिटेल में, तो मुझे इमरजेंसी में ही फैसला लेना पड़ा था। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लाई, लाई यहाँ पे ऑब्लिक दे रखी है। पिछले वाले अल्ट्रासाउंड में काफी अच्छा था सब कुछ, लेकिन इसमें सब चेंज हो गया था। ऑब्लिक का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो तिरछी कंडीशन में है, ठीक है। बच्चा जो है बिल्कुल तिरछा हो चुके थे, और मैं बता दूं कि तिरछा बच्चा सिंगल में ही रिस्की होता है, तो आप समझ सकते हो ट्विंस प्रेगनेंसी में तो और ज्यादा ही रिस्की होता है, ठीक है। हमारे जो दोनों बच्चे थे वो तिरछे हो चुके थे लास्ट में। और प्रेजेंटेशन में बता दूं आपको कि देख सकते हैं आप, बोथ फेटस आर रीच प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ स्टडी। देखिए, पहली बार तो तिरछे हो गए थे, दूसरा क्या हो गया था कि दोनों बच्चे हमारे उल्टे हो चुके थे, ठीक है। पिछली वाली रिपोर्ट में आपने देखा था सिफेलिक प्रेजेंटेशन था, जो कि बिल्कुल राइट होता है, और लेकिन इसमें क्या हो गया था कि बच्चे का जो सर थे वो ऊपर हो गए थे और जो पैर थे वो नीचे हो गए थे, ठीक है, और प्लस उसके साथ साथ बच्चे तिरछे हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन बिल्कुल ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। और ये देखिए, क्योंकि ये सब हुआ था लास्ट मूवमेंट पे, आपको पता है जब हमारा टाइम कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद में बच्चा मूवमेंट भी नहीं करता है ज्यादा, तो कंडीशन बदलने का भी बिल्कुल कोई चांस नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, एमनियोटिक फ्लूड आप जानते हैं जिसमें बच्चा रहता है, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे एडवोकेट लिखा था, तो यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती है, ओके। आपको सिर्फ इसमें इतना ही देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ बोथ फेटल पोल आर प्रेजेंट एंड मेजर्ड फेटस ऑफ एप्रोक्स। यहाँ पे जो है कार्डियक एक्टिविटी दे रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि FHR लिखा है, यानी फेटल हार्ट रेट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले अल्ट्रासाउंड में समझाया था कि अगर यहाँ पे जो हार्ट बीट होती है अगर 160 से ऊपर जाती है या फिर 130 से नीचे जाती है, दोनों ही घातक होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बच्चे की हार्ट रेट काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी लास्ट में। देखिये, 158 हो गई थी, एक की 155 हो गई थी। तो आप यहाँ पे समझिए कि हमारी ये तीनों ही कंडीशनें क्रिटिकल हो चुकी थी। हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया था, बच्चा भी तिरछा हो चुका था, और जो है प्लस उल्टे भी हो गए थे। तो मैं आपको यही राय दूंगी, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कंडीशन होती तो प्लीज आप नॉर्मल डिलीवरी का बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि ये दोनों अगर आप करते हैं इस कंडीशन में तो आपके लिए भी घातक होगा, प्लस बच्चे के लिए भी होगा, ठीक है। तो आप जानबूझ के ऐसा काम ना करें। मैं आपको बता दूं, देखिए ये हमारी 1 तारीख की रिपोर्ट है और मैंने इमरजेंसी में डिसीजन लिया था, और हमारी 2 तारीख को बाबू हो भी गए थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज आप बिल्कुल भी अपनी वहां पे बुद्धि ना चलाएं, कृपया आप बात को समझने की बिल्कुल कोशिश करें, ठीक है, ओके। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ अदर एक्टिविटी जो थी वो प्रेजेंट थी। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने पिछले में समझाया था, बीपीडी का मतलब होता है बाइपराइटल डायमीटर, यानी कि एक पार्श्विक हड्डी से दूसरी हड्डी तक का व्यास, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो MM में दे रखा था, और यहाँ पे देखिये 38 वीक के हिसाब से बता रहा था, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया, ये जो प्लस माइनस लिखा रहता ना, इसका मतलब कम ज्यादा भी होता है, ओके। चलिए फिर यहाँ पे आप देख लीजिए SC, SC का मतलब होता है हेड सरकमफेरेंस, यानी यहाँ पे सर की गोलाई दे रखी थी, ये देख सकते हैं आप बीक के हिसाब से, ठीक है।
फिर यहाँ पे दे रखा था एसी का मतलब होता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, यानी यहाँ पे पेट की गोलाई दी जाती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये भी वीक के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे एफएल का मतलब होता है शरीर की सबसे लंबी हड्डी का, यहाँ पे एमएम में दे रखा था, ये देखिए ये भी वीक के हिसाब से देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ई एफ वी डब्ल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं आप एस्टिमेटेड फैटल बॉडी वेट। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारे बच्चों का बॉडी वेट भी काफी अच्छा हो गया था, जैसे कि आपने पिछली में देखा था काफी कम था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा खिलाई पिलाई पे ध्यान दिया तो बच्चों का वेट देखिए बिल्कुल सही हो चुका था। ये देखिए 3 किलो 315 ग्राम और ये 3 किलो 114 ग्राम, ठीक है। ये प्लस माइनस 20% का मतलब होता है कम ज्यादा। ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सीजीए, सीजीए का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग जेस्टेशनल एज, यानी कि आपको यहाँ पे जो है टाइम बता रहा है, तो हमारे 37 वीक और 6 डेज कम्प्लीट हो चुके थे। ये प्लस माइनस का मतलब आपको पता है कम ज्यादा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईडीडी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है हमारा एक और इश्यू हो गया था कि इसमें जो डिलीवरी डेट है वो हमारी बढ़ती ही जा रही थी, ठीक है। तो इसीलिए फिर हमको मतलब जब हमने ये डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमको तुरंत मना कर दिया था कि आपको और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नोट आइडली आर डेटिंग सोनोग्राफी शुड बी परफॉर्म्ड बिटवीन 18 to 20 वीक्स, द ईडीडी एस्यूम्ड फ्रॉम मेजरमेंट इज ओनली अप्रोक्सीमेट डेट नॉट कन्फर्म इट मे वी वेर, जैसे कि मैंने आपको बता रखा था पिछली बार भी कि ये जो हमारी डिलीवरी डेट होती है कोई क्लियर नहीं होती है, बस इसमें थोड़ा आइडिया के हिसाब से बताते हैं जैसा बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जैसा उसका वेट बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि क्लियर तो कोई नहीं कर सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है कंजेनिटल एनोमेलीज, इसका मतलब होता है जन्मजात विसंगतियां, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नो एनी ग्रोस कंजेनिटल एनोमेलीज आर सीन एट द टाइम ऑफ स्कैन, यानी यहाँ पे कोई भी जन्मजात विसंगति शो नहीं कर रही थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे इम्प्रेशन में आपको बता देती हूँ, ये देखिए इम्प्रेशन में हमारा आया था ट्विंस लाइफ फोटस फोट अप्रोक्स 37 वीक 6 डेज प्लस माइनस 2 वीक विद बोथ फेटस आर ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये देखिए हमारे यहाँ पे 37 वीक और 6 डेज कंप्लीट हो चुके थे और यहाँ पे हमारी बच्चे की जो पोजीशन थी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया था। मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि मतलब अगर सिंगल बच्चा है तो ब्रीच में होने की संभावना रहती है, नॉर्मल डिलीवरी में फिर भी हो जाता है, लेकिन अगर आपके ट्विंस हैं और अगर आपकी कंडीशन ब्रीच हो चुकी है वो भी लास्ट में, तो प्लीज आप बिल्कुल भी वेट ना करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करती हैं तो ये आपके लिए तो घातक हो गई, प्लस आपके बच्चे के लिए भी घातक हो जाएगा, तो आप समझने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि मैंने डिसीजन लिया था तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी लापरवाही ना करें। ओके, आई होप कि आपको ये काफी हद तक समझ में आया। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।